हेलो कसर तो पीछे खड़ा कर दिया मैं अकेले ही हूँ आज आप देख सकते हैं कोविशील्ड जो कोरोना वैक्सीन है जो अलग अलग राज्यों में भेजी गई है वो आ गई है। जन सर क्या कहना चाहेंगे, कहां से आप आए हैं? कोविशील्ड वैक्सीन है ये? कोविड वैक्सीन है। कहां से आई है? पुणे से आई है। अच्छा, आपका नाम? मेरा नाम सीताराम। आप इंचार्ज हैं फिलहाल? दिल्ली से लाए हो आप? दिल्ली से। अच्छा, कहाँ जा रहे हैं फिलहाल? अभी दिल्ली जाएंगे वापस। अच्छा। कोरोना वैक्सीन जो कोविशील्ड है वो करनाल में आ गई है। दिल्ली से बाय रोड कोरोना वैक्सीन आई है और 16 तारीख से जो कोरोना वैक्सीन का टीकाकरण है उसकी शुरुआत हो जाएगी। और आप देख सकते हैं कोविशील्ड जो कोरोना वैक्सीन है जो अलग अलग राज्यों में भेजी गई है वो आ गई है। जन सर क्या कोरोना वैक्सीन का इंतजार सभी को था और करनाल में कोरोना वैक्सीन आ गई है। आप देख सकते हैं कोरोना वैक्सीन जो कोविशील्ड है वो करनाल में आ गई है दिल्ली से बाय रोड। आप देख सकते हैं फिलहाल जो सरकारी चिकित्सा सभी को इंतज़ार है कोरोना वैक्सीन की शुरुआत का, यानी कि कब से कोरोना वैक्सीन लगनी शुरू होगी। सरकार की तरफ से तारीख आ गई है, 16 जनवरी से कोरोना वैक्सीन का जो टीकाकरण है उसका अभियान शुरू हो जाएगा। और पहला फेज जो है उसमें स्वास्थ्य कर्मचारियों को कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। पूरा घटनाक्रम बताते हैं कैसे क्या हुआ। आज सुबह से ही पुणे से जो सीरम इंस्टीट्यूट है वहाँ से कोरोना वैक्सीन चलती है, अलग अलग राज्यों में प्लेन के जरिए जाती है, दिल्ली में वैक्सीन उतरती है और दिल्ली से करनाल के लिए जो कंटेनर है उसके अंदर वैक्सीन आई है। और जहाँ हम इस समय खड़े हैं ये सरकारी चिकित्सा सामग्री भंडार है, यानी कि गवर्नमेंट मेडिकल स्टोर डिपू करनाल का है और अंदर किसी को जाने की अनुमति नहीं है। हालांकि जो कोरोना वैक्सीन का कंटेनर है वो अंदर जा चुका है, दिल्ली से बाय रोड करनाल कोरोना वैक्सीन आ गई है। ये अलग अलग राज्यों में जाएगी, अलग अलग ज़िलों में जाएगी और 16 तारीख को कोरोना वैक्सीन की जो टीकाकरण की शुरुआत है वो हो जाएगी। हिमाचल प्रदेश की बात करें, पंजाब की बात करें, लेह लद्दाख की बात करें और आसपास जो हरियाणा के अलग अलग राज्य हैं वहाँ पर यहीं से करनाल से कोरोना वैक्सीन जाएगी, क्योंकि करनाल को और दिल्ली को उत्तर भारत का जो है स्टोर बनाया गया है, यहाँ पर कोरोना वैक्सीन स्टोर की जाएगी। यानी कि एक बड़ी जिम्मेदारी करनाल शहर को दी गई है, यानी कि मिनी हब कहा जा रहा है कोरोना वैक्सीन के स्टोर का, क्योंकि पुणे से जो कोरोना वैक्सीन आएगी सीरम इंस्टीट्यूट से वो दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद तो जाएगी जाएगी, उसके साथ साथ उत्तर भारत के लिए करनाल के अंदर जो हब बनाया गया है, जो स्टोर बनाया गया है सरकारी चिकित्सा सामग्री भंडार का,
वो यहाँ पर रखा जाएगी और यहाँ के जो गोदाम है अलग अलग स्टोर के वहाँ पे कोरोना वैक्सीन को रखा जाएगा और उसके बाद अलग अलग राज्यों में अलग अलग ज़िलों में कोरोना वैक्सीन को यहाँ से भेजा जाएगा। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आप देख सकते हैं लगातार जो हम आपको खबर दिखा रहे हैं वो कोरोना वैक्सीन की दिखा रहे हैं। कोरोना वैक्सीन करनाल में आ चुकी है, 14 शहर हैं, 56.5 लाख डोज हैं, हजारों बॉक्स हैं और सीरम की जो फैक्ट्री है पूना के अंदर वहां से कोरोना वैक्सीन की पहली खेप निकली है और अब जो अलग अलग राज्य हैं वहां पर कोरोना वैक्सीन जाती हुई नज़र आ रही है। ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप देख सकते हैं फिलहाल जो सरकारी चिकित्सा सामग्री भंडार है वहां पे कोरोना वैक्सीन को रखा गया है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए क्योंकि यहाँ पर कोरोना वैक्सीन जो है रखी गई है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जिस तरीके से कोरोना वैक्सीन का जो भंडारण होगा उससे अलग अलग राज्यों के अंदर यहीं से कोरोना वैक्सीन जाएगी। प्रथम फेज जो रहने वाला है वो फ्रंट लाइनर्स के लिए रहने वाला है, यानी कि जो स्वास्थ्य कर्मचारी हैं उनको कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। 16 तारीख से इसकी शुरुआत होगी, हालांकि ड्राई रन कंप्लीट हो चुका है और उसके बाद जो तमाम जवान हैं चाहे पुलिस के हों चाहे आर्मी के हों या फिर जो इस समय सुरक्षा में लगे हुए हैं उन्हें कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। उसके बाद 50 साल से जिनकी ज़्यादा की उम्र है उन्हें कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी और चौथे फेज में आकर 50 साल से जो कम उम्र के लोग हैं उन्हें कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हम आपको बता दें कि दिल्ली में वैक्सीन पहुंच चुकी है, मुंबई में वैक्सीन पहुंच चुकी है, कोलकाता में, गुजरात में, लखनऊ में, तमिलनाडु में, अलग अलग जगह में जो वैक्सीन है वो पहुंच चुकी है। कई जगह हवाई जहाज़ के जरिए पहुंची है, कई जगह बाई रोड के जरिए पहुंची और करनाल में जो बाय रोड के जरिए कोरोना वैक्सीन पहुंची है। सीरम इंस्टीट्यूट जिसने सबसे पहले ये सफलता हासिल की और देश के लिए कोरोना वैक्सीन दी है और उसका टीकाकरण जो है वो 16 तारीख से लगना शुरू हो जाएगा। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फिलहाल हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं उस भंडारण की जहाँ पर कोरोना वैक्सीन का भंडार किया जाएगा। यहीं से हिमाचल प्रदेश, यहीं से पंजाब, यहीं से लेह लद्दाख, यहीं से जम्मू कश्मीर और हरियाणा के जो अलग अलग ज़िले हैं वहां पर यहीं से कोरोना वैक्सीन जाएगी क्योंकि कोरोना वैक्सीन की ज़रूरत सभी को है, लेकिन पहले उन्हें कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी जो फ्रंट लाइन पर खेल रहे हैं, यानी कि स्वास्थ्य कर्मचारी जो आप लोगों की देखभाल करते हैं। क्या कुछ रहने वाला है बजट वगैरह वो बाद का विषय है, लेकिन इसका खर्चा शुरुआती तौर पर सरकार उठाने जा रही है और यहीं पर कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड का भंडारण किया गया है। दिल्ली से यहां पर आई है, कड़ी सुरक्षा के बीच आई है क्योंकि उसे स्टोरेज में रखा जाएगा, कंटेनर के अंदर रखा जाएगा, फ्रिज की जो एक डीप फ्रिज होता है उसके अंदर रखे जाने की बात कही जा रही है क्योंकि एक तापमान की कितना तापमान होना चाहिए उसके अंदर इन तमाम चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। तकरीबन 56.5 लाख डोज जो हैं वो सीरम इंस्टीट्यूट से चली हैं जिसके बाद अलग अलग राज्यों में जा रही हैं। एक ख़ास बात और जो सामने निकल कर आ रही है वो ये है कि जो शीशी होती है उसमें से तकरीबन 10 डोज यानी कि 10 अलग अलग लोगों को, अलग अलग स्वास्थ्य कर्मचारियों को उससे कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से हमने आपको सबसे पहले तस्वीरें दिखाई कि जो करनाल का सरकारी चिकित्सा सामग्री भंडार है यानी कि गवर्नमेंट मेडिकल स्टोर डिपो है वहां पर कोरोना वैक्सीन को रखा गया है, कड़ी सुरक्षा के बीच रखा गया है और जब कोरोना वैक्सीन यहां पर पहुंचती है तो कड़ी सुरक्षा के बीच यहां पर पहुंचती है। अलग अलग राज्यों को, अलग अलग जिलों को इंतज़ार था कोरोना वैक्सीन का क्योंकि कोरोना के कारण हमारी जो स्थिति है वो काफ़ी ख़राब हो गई थी, कई लोगों की मौत हो गई थी, कई लोग बीमार हो गए थे, कई लोग कोरोना की चपेट में आने से उनके लंग्स पर प्रभाव पड़ गया था, उनके फेफड़ों पर प्रभाव पड़ गया था, लेकिन कोरोना वैक्सीन का इंतज़ार था और लगातार टेस्ट चल रहे थे, लगातार ट्रायल चल रहे थे और जब 3 ट्रायल हो जाते हैं उसके बाद सीरम इंस्टीट्यूट की जो वैक्सीन है कोविशील्ड उसे मंजूरी दी जाती है सरकार की तरफ से और उसकी जो पहली खेप है भारत के अलग अलग राज्यों में वो प्लेन के जरिए पहुंचाई गई है, गुजरात के अंदर, मुंबई के अंदर,
साथ ही साथ कोलकाता के अंदर, दिल्ली के अंदर, और दिल्ली से कोविशील्ड जो कोरोना वैक्सीन है वो करनाल भी आ गई है। ये रोड के जरिए आई है, पहले ये भी बात की जा रही थी शायद कार्गो प्लेन के जरिए आए और यहाँ से अलग अलग राज्यों में अलग अलग जिलों में जाएगी। और अब स्वास्थ्य विभाग और ज़्यादा अलर्ट हो जाएगा क्योंकि 16 तारीख से इसकी शुरुआत होनी है। हमने पहले भी आपको तस्वीरें दिखाई थी कि किस तरीके से जो ड्राई रन है वो किया गया था, किस तरीके से लगाई जाएगी। हाँ, एक बात और हम आपको बता देते हैं, लगेगी किस तरीके से, क्या कुछ वहाँ पर प्रोसीजर रहने वाला है, क्योंकि हमने ड्राई रन में आपको बताया था कि किस तरीके से लगेगी। यानी कि स्वास्थ्य कर्मचारी जिसे कोरोना वैक्सीन लगनी है वो पहले काउंटर पे जाएगा जहां पर उसका नाम, एड्रेस, उसकी एज, डेट ऑफ बर्थ, तमाम चीज़ें चेक की जाएंगी। उसके बाद उसे वेटिंग रूम में बिठाया जाएगा, वहां पर तमाम पोस्टर लगे होंगे, वो वहां पर पढ़ेगा कि वैक्सीन क्यों बनाई गई है, कैसे बनाई गई है, किसने बनाई है, क्या क्या हमें बचाव करना है, और भारत सरकार की जो गाइडलाइन है उसे पढ़ाया जाएगा। एक फाइल के जरिए वो पढ़ सकता है। उसके बाद अगला जो रूम है जहाँ पर वैक्सीनेशन रूम है, जहाँ पर वैक्सीन लगेगी, उससे पहले उसे कंप्यूटर के जरिए जो वहाँ पर वैक्सीन लगाएंगे, जो वहाँ पर स्वास्थ्य कर्मचारी बिठाए होंगे, वो उसका नाम जो है वो चेक करेंगे कंप्यूटर के अंदर, उसमें अपडेट करेंगे, आधार कार्ड के जरिए अपडेट किया जाएगा। और ये तसल्ली की जाएगी, ये पूरी तरह से कंफर्म किया जाएगा कि कोरोना वैक्सीन जिसे लगनी है वो यही व्यक्ति है या नहीं है। उसके बाद वैक्सीन लगाई जाएगी, उसके बाद तकरीबन ऑब्जर्वेशन रूम में आधे घंटे तक उसे बिठाया जाएगा, आराम दिया जाएगा। और पांचवा जो कर्मचारी रहने वाला है वो देखभाल करेगा उन तमाम चार कर्मचारियों की कि उन्हें कोई ज़रूरत तो नहीं है, उन लोगों की जो वहाँ पर वैक्सीन लगवाने आएंगे, उन्हें बताएंगे कि आपको अगली डोज कब लगनी है, क्योंकि उसका एक मैसेज आएगा, एक संदेश आएगा। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, बने रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ। हम आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, कोरोना वैक्सीन करनाल में पहुंच चुकी है, कोविशील्ड ये वैक्सीन है, सीरम इंस्टीट्यूट से आई है, दिल्ली से ये यहाँ पहुंची है, दिल्ली बाय प्लेन आई थी, बाय रोड दिल्ली से करनाल पहुंची। और सबसे बड़ी बात, करनाल को उपलब्धि है करनाल के लिए कि इसे मिनी हब बनाया गया है, इसे स्टोर सेंटर बनाया गया है, यहीं से कोरोना वैक्सीन अलग अलग राज्यों में अलग अलग जिलों में जाएगी। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बने रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ। नमस्कार।